गुड मॉर्निंग मैथ एफटी में आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैथ एफटी का मतलब मैथमेटिक्स फास्ट ट्रिक। जब भी हम सवाल लेके आते हैं, आप तक कोई वीडियो पहुंचाते हैं, बिल्कुल फास्ट ट्रिक होता है, सुपर फास्ट। आज देखिए मल्टीप्लिकेशन का एक नया ट्रिक लेके आ रहे हैं। इससे पहले बहुत सारा वीडियो मैंने मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड अपलोड किया, शायद मिला हो, या प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में पूरा सीरियली डाला हुआ है। एक डिजिट का, दो डिजिट का, तीन डिजिट का, चार डिजिट का, पांच डिजिट का, जनरल प्रोसेस, जनरल ट्रिक से, और प्लस जो है डिजिटल समेशन के थ्रू भी किया है। आज फिर नया एक टेक्निक लेके, ट्रिक लेके आप तक पहुंच रहे हैं। स्पेशली आप तो देखें ही देखें, अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं, चाहे बच्चा आपका क्लास टू में हो, क्लास थ्री में हो, क्लास फोर में हो, किसी स्टैंडर्ड का बच्चा हो, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ता हो या प्राइवेट किसी कन्वेंट में पढ़ता हो। आप देखने के बाद ऐसा नहीं कि स्किप करके निकल दें, अपने बच्चों तक नहीं पहुँचाए। आपके बच्चों तक पहुँचने के लिए मैंने इसमें लगभग 6 आवर्स आई हैव स्पेंट माई टाइम टू क्लियरफाई दिस मल्टीप्लीकेशन। 6 घंटा मैंने कंटिन्यूसली इस पर लगाया है, तब जाके मल्टीप्लीकेशन का ये ट्रिक्स आया है, जो आपके बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। इसलिए आप तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो देख के अपने बच्चों को वीडियो नहीं दिखाते हैं, तो हमारी किताब में, हमारे मेहनत के इसमें आप अपने बच्चों के साथ जुर्म करेंगे अगर इस बच्चों को आप अपने ये वीडियो नहीं दिखाएंगे। मल्टीप्लीकेशन का क्या ट्रिक है वो आप भी देख लें और आपके बच्चे भी देखें, और स्कूल के जो स्कूल के हो या कॉलेज के स्टूडेंट हो, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को देखें और सीखें, और ओल्ड पैटर्न, ओल्ड ट्रेडिशन को छोड़ें। डिजिटल इंडिया में, ये डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल इंडिया है, उसमें आपको भी डिजिटल बनना है। देखिए कैसे मल्टीप्लीकेशन का न्यू ट्रिक मैं आपके पास लेके आया हूँ। ये देखें सेम सीरीज का कैसे मल्टीप्लिकेशन है। 13 को 13 यानी 13 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 169 आंसर भी मैं आपके सामने रखता हूँ, क्लियर क्लियरिफिकेशन के लिए। आप समझेंगे कि 13 को 13 से मल्टीप्लाई करना कौन कमाल का काम है। 13 को 13 से मल्टीप्लाई किया, 169 हुआ। अभी कमाल आपको दिखाते हैं। इस 13 को आप इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से मल्टीप्लाई करके तब जोड़ के करते हैं। इसको जोड़ने का ओल्ड ट्रेडिशन बिल्कुल बंद करें। नया चीज़ देखें, इसी 3 को इस पूरे 13 में जोड़ दें। आप इस 3 को, लास्ट वाले डिजिट को, इस पूरे डिजिट में जोड़ दें तो 13 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 16, और इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 169 के बराबर हो गया। क्या सेकंड लगा, इस पूरे 13 में, पूरे पहले 2 डिजिट में लास्ट के डिजिट को जोड़ दें। यहाँ हमने प्लस का सीन दिया, यहाँ हमने मल्टीप्लीकेशन का सीन दिया। 13 में 3 जोड़ेंगे तो ये 16 होगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 होगा। ठहरिए, भागिए मत, देखिए आप नया ट्रिक। 12 को 12 से किसी को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, 144। आपके समझने के लिए 12 को इस पूरे नंबर, 2 को इस पूरे नंबर से इसमें जोड़ते हैं तो 12 2 14, इन 2 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 144। ठहरिए, भागिएगा मत। अभी आगे देखिए आप, ये तो सेम नंबर का है, तो आप 16 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप 16 को 12 से देखिए, हमने नंबर बदल दिया, 16 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 192 होता है। ये आंसर भी आपके सामने हम लिखते हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। 16 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 192। कितना सेकंड में मल्टीप्लाई करते हैं देखिए आप, ये 16 में इस 2 को ऐड कर दीजिए, ये 16 में 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 18। इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 6 को मल्टीप्लाई करें 2 से। एक चीज़ सीखें, यहाँ 2 नंबर है, यानी इसका बेस माना है 10, इसलिए 2 बॉक्स बनाइए, और 6 दूना कितना होगा, 12, ठीक है। अब इनको जोड़ दीजिए, 16 में 2 जोड़ा तो 18, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12, इसलिए 2 बॉक्स बनाया कि ये जो 18 है ना, ये 10 बेस का है, 2 0, इसमें 2 डिजिट है, इसलिए 2 बॉक्स बनाया। इनको प्लस कर दीजिए, पहला इकाई उठाइए, इनको करी वाइज फॉरवर्ड कीजिए, 9, और 1 बच गया, ये देखिए 92। इतनी आसानी से आप कर सकते हैं क्या? दूसरा देखिए, आइए देखिए दूसरे सीरीज का। 13 को 19 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 247 होता है, मल्टीप्लाई करके आप देख लेंगे। जवाब आपके सामने इसलिए रहता है कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो। 13 को 19 से मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए कितना सेकंड लगता है। हमारी थ्योरी देखिए, 13 में से 9 को पूरे नंबर में जोड़ दीजिए, 13 और 9 के 9 3 12 22, इस 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 10 का सीरीज है, इसलिए 2 बॉक्स बनाइए। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 27, इनको जोड़ दीजिए, एकाएक उठाइए, ये कैरी फॉरवर्ड यहाँ होगा, 4, ये बच गया 247, ये इसका जवाब होगा। दूसरे अंक का बताते हैं आपको, 2 डिजिट का जो 2 से शुरू होता है। आइए ये देखिए, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 में एग्जाम्पल मिल गया। अभी नंबर बदल देंगे,
ये दो डिजिट का है, ये दो डिजिट का है, मल्टीप्लिकेशन तीन डिजिट का है, दोनों का सीरीज सेम है, यहाँ दो है, दो इक्वल सीरीज में लेना है, तब ये रूल लगेगा। ये 25 की जगह पे 24 हो सकता है, 25 की जगह पे 22 हो सकता है, 23 हो सकता है, 21 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग का दोनों डिजिट सेम होना चाहिए। इसको देखिए बराबर होता है 625। कैसे होता है, पहले भी हम आपको बताएं कि इस 25 में 5 को ऐड कर दीजिए पूरे नंबर में, तो 25 में 5 ऐड करेंगे तो 30 होगा। ये दो का सीरीज है इसलिए दो को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 60 होगा। दो बॉक्स बनाइए, यहाँ पे 6 है, 0 है, दो बॉक्स बनाइए। अब इस 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपको 25। एक बार और समझिए, 25 में 5 जोड़ेंगे, यहाँ प्लस का साइन दिया, तो 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30। दो का सीरीज है इसलिए दो से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को दो से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 60 होगा। दो डिजिट आगे और लगेगा इसलिए बॉक्स बनाया, 5 को 5 से आप मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन का साइन दिया, कुछ नहीं हुआ, 625। इनको जोड़ दीजिए, पहला एकाई अंक उठाइए, दहाई के अंक का कैरी फॉरवर्ड होगा, जीरो में दो जोड़े या दो में जीरो जोड़े, दो, ये बचा हुआ 625, इसके बराबर हुआ 625। ऐसा टेक्निक देखिए, एक और बताते हैं, और देखिए, आइए देखिए, सीरीज जो है हमने नंबर बदल दिया, 24 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 696 आएगा। कैसे आएगा वो आप करते हैं, हमारा ट्रिक देखिए और अपने बच्चों को बताइए कि कैसा सेकंड में करके निकल जाएगा। इस पूरे 24 में 9 जोड़िए, यहाँ प्लस का साइन दिया, 24 में 9 जोड़ेंगे तो 33 होगा। ये दो का सीरीज है, ये दो का स्टार्टिंग सीरीज है, इनको दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 होगा। दो बॉक्स और बनाएंगे, दो अंक यहाँ इसलिए दो बॉक्स बनाएंगे, इस 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौके ये कितना होगा 36, कुछ नहीं प्लस कर देंगे, इकाई का 6 उठाएंगे, ये कैरी फॉरवर्ड इस पर होगा, 639, ये बचा हुआ 6, ये 696 बराबर हुआ 6, यही इसका आंसर हुआ। इतना फास्ट कर सकते हैं। तीसरा अंक का तीन डिजिट का मैं अब बताता हूँ, आइए, ये तीन का सीरीज है, देखिए 315 को 312 से या 312 को 315 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 98,280 आता है। इसको जरा मल्टीप्लाई करके आप देख लें कितना आसान से मल्टीप्लाई होता है, आपकी दुनिया में तो काफ़ी लंबा समय लगेगा और मिस्टेक भी हो जाएगा। हम देखिए कैसे मल्टीप्लाई करके आपको बताते हैं, यहाँ ये तीन डिजिट का हो गया, ये 315 है, ये 312 है, तीन डिजिट है, नंबर ऑफ द डिजिट दोनों में तीन तीन है। इसको क्या करें कि 312 में अब दो डिजिट को आप जोड़ें, इस दो डिजिट को लेके इसमें आप जोड़ें, इसको प्लस करें तो 315 में 12 जोड़ेंगे तो ये होगा 327, 327। ये थ्री डिजिट का है, जैसे टू डिजिट का बताया है, थ्री डिजिट का है इसलिए इसको तीन से गुना करेंगे तो ये होगा आपको 981। 27 3 81 और 3 3 9, ये तीन डिजिट है, इनमें तीन बॉक्स बनाइए, यही टेक्निक है। अब क्या करेंगे कि वो दो डिजिट वाला था तो एक अंक को मल्टीप्लाई करते थे, या थ्री डिजिट वाला है तो इन 12 को इन 15 को इन 12 से मल्टीप्लाई करना है, इन 15 को इन 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो 15 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 होगा। इसलिए हमने तीन बॉक्स बनाया कि यहाँ तीन अंक का है, अब इनको कुछ नहीं करना है, जोड़ दीजिए, ये तीन अंक का है, इकाई दहाई सैकड़ा है इसलिए इकाई और दहाई दोनों उतरेगा, ये इसमें जाके ऐड होगा दो, अब कुछ नहीं बचा, ये 98 होगा। देखिए इसके ये बराबर है कि नहीं, एक का दो का तीन का चार का एक चार का आपको बताते हैं। अब इस वीडियो पे बने रहें, आइए 409 को 402 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,64,418 होता है। इसको जरा गुना करके देखिए, ये जीरो वाला है, ये तीन तीन डिजिट का जीरो वाला है। 409 को 402 से मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे आसान तरीका देखिए, फिर एक न्यू टेक्निक है उससे भी आसान है, क्या है, इसे 409 में, इसको देखिए 409 में दो जोड़ दीजिए, ये होगा 411, यहाँ प्लस का साइन दिया है, 409 में दो जोड़ दीजिए 411, चार का सीरीज है, इनको चार से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 चौका 44 और 4 चौका ये हो जाएगा 16, दो डिजिट बनाइए, 9 दुना 18 ये रख दीजिए, ये बराबर के हुआ 16 44 18, यही इसके बराबर हुआ। इससे भी फास्ट दुनिया में कोई गुना है। एक और गुना आप देख लीजिए, एक और मल्टीप्लीकेशन देखिए, अपने बच्चों को दिखाना, नहीं भूलेंगे प्लीज़, बहुत मेहनत से मैं अब तक पहुँचा रहा हूँ। देखिए 102 को 105 से कैसे मल्टीप्लाई किया, इसका जवाब होगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी 10,710। कुछ नहीं करना है, ये टेक्निक जीरो वाला में और आसान है, इन 5 को इस पूरे नंबर में जोड़ना है, यहाँ प्लस किया, 102 में 5 जोड़ेंगे 107 होगा, ठीक,
107 होगा, दो बॉक्स बनाइए, अब इस 5 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, यही ना हुआ 107, ये 10, ये बराबर हुआ 0 के। इससे भी आसान कोई टेक्निक है? एक सवाल और देखिए आप, आइए लास्ट क्वेश्चन देखिए, 305 को 308 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 93,940 आता है, जवाब भी आपके सामने रखते हैं। कैसे करते हैं? ये 305 में 8 को जोड़िए, यहाँ प्लस है, 305 में 8 को जोड़िएगा तो कितना बचेगा, 8 5 13 बनेगा 313, 3 का सीरीज है तो 3 से मल्टीप्लाई किए, 13 तिया 39 और 3 तिया 9, दो बॉक्स बनाइए, 8 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, दो बॉक्स का मतलब 40, यही इसके बराबर जवाब हुआ। ये देखिए 93940, हर तरह का मैं ट्रिक बताया हूँ आपको मल्टीप्लिकेशन का, आप खुद देखें, अपने बच्चों को दिखाएं। इससे पहले भी मैं मल्टीप्लिकेशन का बहुत सारा वीडियो अपलोड किया हूँ, हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ वीडियो देखें, 2 डिजिट का 3 डिजिट का 4 डिजिट का 5 डिजिट का 8 डिजिट का, कुछ जनरल ट्रिक से कुछ डिजिटल समेशन के थ्रू बनाया, मैं समझता हूँ कि ये वीडियो अद्भुत वीडियो है, आप खुद देखें और अपने बच्चों को बताएं कि कितने सेकंड में 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन रख देते हैं, मुश्किल से 3 से 4 सेकंड लगता है, ऐसे जनरल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 मिनट लगेगा, गारंटी भी नहीं है कि जोड़ के सही ले पाएंगे, मिस्टेक हो जाता है लंबा लंबा मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए कि 3 डिजिट और ये 3 डिजिट यानी कि 6 डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई करना है। 0 वाला बहुत आसान है, जो टेक्निक बताया 305 में 8 जोड़ दीजिए, 313 8 5 13 और 3 डिजिट का है 3 से गुना कीजिए 939, 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 40, ये आपको जवाब मिलता है। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखें, अगर जवाब गलत हो तो हमारे वीडियो पे डालें ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपके पास फुर्सत है समय है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, नहीं तो देर विल बी नो ग्रीवांस फ्रॉम योर साइड। और इस वीडियो को देखें, अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बच्चों को भी दिखाएं ताकि बच्चों का कंसेप्ट शुरू से क्लियर होगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अवेलेबल होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।